हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी रियल में वन टिप सीखना चाहते हो या फिर आप वन टिप किंग बनना चाहते हो तो आपको बस एक बार फुल वीडियो देखना है। मैं यहाँ पे आपको ऐसे तीन गलतियाँ या आपको तीन टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आप प्रैक्टिस करके सिर्फ एक या दो दिन प्रैक्टिस करोगे तो भाई आपको खुद लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। आपका डिवाइस लो रैम का है जैसे कि 2GB, 3GB, अगर 4GB है तब भी आप ये टिप्स फॉलो करके देखो। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका वन शॉट लगने लगेगा और भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डिजर्ट ईगल से मार रहे हो या फिर M500 या फिर आप M1887 से लगा रहे हो या फिर आप ड्रैगनों से, वैसे आपका वन शॉट लगने लगेगा। और भाई अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टिप्स नंबर वन में सबसे पहले सेटिंग में आना है, यहाँ पे सेंसिटिविटी में आना है और इन जनरल को और रेड अर्ट को 100 पे कर लीजिए। तो इनसे क्या होता है कि आपका जब जनरल जो है 100 होगा तो इसे आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे और बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आपका जो परफेक्ट है वन शॉट लग जाएगा। क्योंकि वन शॉट मारने के लिए जितना जल्दी आप ड्रैग करते हो उतना परफेक्टली वन शॉट लग जाता है। गाइस, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे फायर बटन का साइज, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। अगर इसका साइज आपका 35 से 45 के बीच में नहीं है तो आप सारी गन से वन शॉट नहीं लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका डिजर्टीगल M1887 या जितनी भी वन शॉट वाली गन है तो अगर आप सबसे लगाना चाहते हो तो आपका साइज जो है वो 35 से 45 के बीच में होना चाहिए। पॉइंट इसमें ये भी है कि फायर बटन को कहाँ पे रखा जाए। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फायर बटन का साइज एकदम परफेक्ट है क्योंकि यहाँ से आसानी से इसको ड्रैग किया जा सकता है। अगर लेफ्ट की तरफ भी ड्रैग करें या फिर राइट की तरफ भी ड्रैग करें तो आसानी से यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिवाइस जो है लो रैम का है तो इसको आप नीचे थोड़ा सा और रख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे मत करो क्योंकि वहाँ पे आपको स्लाइड करने में प्रॉब्लम हो जाए। परफेक्ट वन शॉट की बात की जाए तो ऑलवेज जो है आपको ये बात याद रखनी है कि हमेशा राइट की तरफ से ड्रैग करो, मोस्टली राइट की तरफ से ड्रैग करो। अगर एनिमी लेफ्ट की तरफ भाग रहा है तो लेफ्ट की तरफ से ड्रैग करो, या फिर एनिमी आपके सामने जा रहा है या फिर सामने से आ रहा है तो हमेशा ऊपर की तरफ ड्रैग करो। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपका हर सिचुएशन में वन टिप लगे तो उसके लिए आपके मूवमेंट को फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आपका मूवमेंट फास्ट तभी होगा जब इन चार चीज़ों को आप फॉलो करोगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको जंप करना है। उसके बाद जंप करने के टाइम पे आपको अपने एम को एनिमी की बॉडी के ऊपर लाना है और जैसे आपका एम रेड हो जाता है, यानी कि आपका क्रॉस ये रेड हो जाता है, उसी टाइम पे आपको ड्रैग करना है। और जब आप ड्रैग करते हो तो उसी टाइम पे आपको जो है अपना वेपन स्विच कर देना है। तो गाइस, जैसे आपका मूवमेंट बहुत ही तेज हो जाएगा, आप एक बार ट्राई करके देखो। तो गाइस, यहाँ पे सामने मेरे एनिमी है, मैंने क्या किया, जंप किया और वहाँ पे अपने एम को उसकी बॉडी पे लाया और जैसे मेरा रेड हुआ मैंने तुरंत ही ड्रैग कर दिया। और गाइस देखा आपको, इन्हें ड्रैग करने के बाद तुरंत ही मैंने अपने गन को स्विच कर दिया और उससे मेरा क्या हुआ, मूवमेंट बहुत फास्ट हो गया और एनिमी मेरे ऊपर टारगेट नहीं कर पाएगा। तो गाइस, यहाँ पे मुझे फिर से एनिमी दिखा, मेरे सामने था एकदम फ्रंट में, मैंने क्या किया तुरंत बैक फ्लिप किया और यहाँ पे उसके ऊपर एम किया, फिर तुरंत मैंने ड्रैग कर दिया। तो गाइस देखा, यहाँ पे फिर से मैंने तुरंत ही गन स्विच कर लिया। तो ये आपका मूवमेंट आपका डिसाइड करेगा कि कैसा आपका वन शॉट लगता है। तो गाइस, यहाँ पे एकदम मेरे फ्रंट पे एनिमी था, मैंने क्या किया तुरंत ड्रैग कर दिया जंप करने के बाद और गन स्विच कर दिया, फिर मैं रन करने लगा। तो गाइस, इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपका मूवमेंट तेज हो जाए। गाइस, आप बात करते हैं कैसे ड्रैग करना। तो गाइस, आप यहाँ पे मेरे फायर बटन को देखेगी, जैसे कि एनिमी मेरे सामने आ रहा है, मुझे पता था कि वहाँ से एनिमी आ रहा है तो अभी मैंने क्या किया, उसको राइट साइड से थोड़ा सा ड्रैग किया। तो मैंने बोला जैसे कि आप अगर हमेशा राइट साइड से ड्रैग करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ऐसा करो हल्का सा हमेशा राइट साइड से ड्रैग करो और अगर एनिमी लेफ्ट की तरफ ज़्यादा भाग रहा है तो आपको लेफ्ट साइड से ड्रैग करना है। तो गाइस, यहाँ पे जैसे कि देखा एनिमी मेरे सामने है तो मैंने क्या किया ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया, एकदम वन टैप लग गया। तो अगर आपके सामने एनिमी है तो आपको वन टैप लगाना है या आप तुरंत बैक फ्लिप करके अगर उसको वन शॉट देते हो तो आपको जो है सीधा ड्रैग करना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमी मेरे राइट में था और मैंने क्या किया जंप किया और एनिमी का यहाँ पे शॉट मिस हुआ, उसका मिस हुआ। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने उसकी बॉडी पे एम कर दिया और जैसे मैंने उसकी बॉडी पे एम किया फिर मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो भाई उसको वन शॉट लग गया। तो अभी फास्ट मूवमेंट चाहते हो कि अगर एनिमी का शॉट मिस हो जाए तो आप कैसे बचोगे, तो आपको अपने मूवमेंट को फास्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट बता दिए हैं। अगर उस 5 पॉइंट को आप फॉलो कर लेते हो, उनके लिए आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई आपका मूवमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो वैसे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप c4g.yt डाल के आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।